हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है सरकारी जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सनपैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आई हुई जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो इनके ऑल इंडिया में बहुत से प्लांट स्थापित हैं, लेकिन इनकी ये जो वैकेंसी आई हुई है, इनके जो राजकोट में एक प्लांट है वहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है, इसलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि जिन कैंडिडेट लोगों का आईटीआई या फिर डिप्लोमा भी कंप्लीट हो चुका है, तो वे लोग इनके इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर जो अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल से रखा गया है, आपको जो केवल एक ईमेल भेजना होगा, वो आगे चल करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन के तहत। और यहाँ पर जो आप लोग की सैलरी रहेगी आईटीआई एंड डिप्लोमा वालों के लिए, वो तीन पोस्ट रहेंगे आपके। आप अपने प्रेफरेंस में डालिए कि कौन से पोस्ट में आपको जो चाहिए जो वो उस पोस्ट को, और फिर जो पोस्ट के हिसाब से आप लोग को सैलरी 15 से 20 हज़ार तक के जाने वाली है। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, और भी कई जो जानकारी है जो कि वीडियो में आपको आगे चल करके पता चलेगी। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं डेली जॉब अपडेट पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है, सनपैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, और ये कंपनी के बारे में कुछ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और ये है, सिलेक्टेड कैंडिडेट वर पोस्टेड इन कालावड़ रोड राजकोट। ये तो ये जो इसकी आपकी जो जॉब लोकेशन रह जाएगी, यहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और अब आगे चलते हैं, पोजीशन जो रहेगी, मैंने आपको बताया था तीन प्रकार की पोस्ट है। पहली पोस्ट है वायरमैन की, दूसरी है मैकेनिकल टेक्नीशियन की, और तीसरी है मैकेनिस्ट की। अब यहाँ पर जो सैलरी का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये जो सैलरी है आपकी 15 हज़ार से लेकर के 20 हज़ार तक की जाएगी, ये आपके पोस्ट पर डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर एजुकेशन के रिक्वायरमेंट की किस पोस्ट में कौन सी जो एजुकेशन लगेगी। तो पहली जो पोस्ट है वायरमैन, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है आईटीआई एंड डिप्लोमा पास आपका होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है सैलरी इसकी 15 से 20 हज़ार तक के जाएगी, स्टार्टिंग जो रहेगी 15 हज़ार रहेगी। और जो दूसरी पोस्ट है वो है मैकेनिकल टेक्नीशियन की, और इसमें जो आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है किसी कंपनी का या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी आईटीआई एंड डिप्लोमा, इन दोनों में से कोई एक, और इसकी भी सैलरी का स्ट्रक्चर वही है 15 से 20। और जो तीसरी पोस्ट है मैकेनिस्ट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस वाले भी चल जाएंगे, और जो फ्रेशर्स हैं अभी तुरंत में पास हुए हैं वे लोग भी चल जाएंगे। और जो इसकी क्वालिफिकेशन है, आपका आईटीआई मैकेनिस्ट से पास होना चाहिए, और यहाँ पर या फिर आपका 10वीं पास होना चाहिए या फिर 12वीं पास होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। और यहाँ पर जो सैलरी रहेगी अस पर क्वालिफिकेशन, अगर आपका 10वीं पास है तो कम सैलरी रहेगी, और 12वीं पास है तो उससे ज़्यादा। और जो आईटीआई जो मैकेनिस्ट पास है जिनका, उनको 15 हज़ार से 20 हज़ार तक की सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पर जो एजुकेशन का तो हमने देख लिया, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। तो जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल रखी गई है, और मैक्सिमम है 30 साल। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ और डाउट है या क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल होंगे। अब जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर देखा जाए, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो उनको इस ईमेल पर अपना जो बायोडाटा सेंड कर देना है। और साथ ही साथ मैं आपको जो अभी कैंपस की डेट भी बताने वाला हूँ कि कहाँ कौन सी डेट में आपका जो ये कैंपस लगने वाला है। तो सबसे पहली जो स्टेप है, आपको इनके जो कैरियर एट द रेट एसपैक यानी कि sunpack.com, यहाँ पर जो अपना ईमेल में जो बायोडाटा सेंड कर देना है, या फिर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैंने आपको नीचे में दे के रखा है, आप इस ब्लॉग में आ जाएंगे और ये पेज आ जाएगा आपके सामने में, और ये ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं और भी ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो जो लास्ट डेट है यानी कि जो कैंपस की डेट रहेगी, वो जो आपको ईमेल में ही सेंड कर दी जाएगी। ये जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की यानी कि ईमेल भेजने की, वो है 25 दिसंबर 2020। तो और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।